इस वीडियो के अंतर्गत हमने टॉप 10 मकीता के जो टूल्स जो न्यू टेक्नोलॉजी के अनुसार डिज़ाइन किए गए हैं उनको कवर किया है। अगर इन टूल में से आपको कोई अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह है मकीता का पोर्टेबल पावर बैंक। अगर आपको भी जहाँ पे आप वॉक करते हो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है या फिर आपको वायर्स वगैरह कैरी करने में दिक्कत होती है तो आप इस पावर बैंक को विजिट कर सकते हो। इस पावर बैंक से आप जो भी वॉक करते हो चाहे वो किसी भी मकीता का जो प्रोडक्ट वगैरह आता है उसे आप अटैच कर सकते हो। इजी यूज़ है। इसमें आपको इंडिकेट्स करने के लिए अलग से चार्जिंग के लिए आपको अडेप्टर मिलता है एंड जो भी इसके अंदर का जो बैटरी वगैरह आती है वो लिथियम आयन की बैटरी आपको प्रोवाइड की जाती है और इसमें एलईडी आपको जो डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग के लिए एक डिस्प्ले भी अलग से प्रोवाइड की जाती है जिसमें जो भी डिस्चार्जिंग जो बैटरी होती है वो भी इसमें इंडिकेट्स करती है। इसे मकीता ने इस प्रकार डिज़ाइन किया है कि आप इसे हैवी ड्यूटी वर्क में भी यूज़ में ले सकते हो और इसके साथ एक बैग अटैचमेंट मिलता है जिसे आप बैग में आसानी से पीछे की तरफ लगा के आसानी से कहीं पे भी कैरी कर सकते हो और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है। तो यह है मकीता की कोर्डलेस हैमर जिसका मॉडल नंबर है HR008G। इसके अंतर्गत आपको जो लो वेब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के अनुसार इसे डिज़ाइन किया है जिसमें आपको एक डस्ट कलेक्टर का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें जो भी डस्ट वगैरह है उसको इसमें ऑटोमेटिकली कलेक्ट किया जाता है। इसमें आपको लो वेब्रिकेशन या वाइब्रेशन का ऑप्शन भी आपको मिलता है जिसमें आप लो वाइब्रेशन से जो भी आप होल वगैरह निकालते हैं वो आसानी से निकाल सकते हो। इसमें जो पिस्टन वगैरह आते हैं वो इसी प्रकार डिज़ाइन किया है। इसमें मैक्सिमम आउटपुट 1600 वॉट में है और RPM की अगर मैं बात करूँ तो 840 है। लाइट वेट है जिसमें 6.8 kg के समथिंग इसमें वेट है और इसमें लिथियम आयन बैटरी आपको देखने को मिलती है। इसमें ऑटो स्टार्ट वायरलेस कनेक्शन भी मिलता है जिसमें आप ऑटो स्टार्ट करके आसानी से इसे कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल्स वगैरह या गैजेट के साथ और इसे रन कर सकते हो। और भी इसमें जो पिस्टल्स वगैरह है वो भी इसमें जो अलग टेक्नोलॉजी के अनुसार हैवी ड्यूटी वर्क के अनुसार इसे डिज़ाइन किया है तो आप इसे यूज़ में ले सकते हो और इसे चेकआउट कर सकते हो। तो यह है मकीता का रोबोटिक ब्रशलेस वैक्यूम क्लीनर जिसका मॉडल नंबर है DRC200Z। अगर मैं इसके जो वर्क की बात करूँ तो यह आता है आपकी जो भी क्लीनिंग वगैरह करते हो होम्स वगैरह की डस्ट कलेक्टर है जिसमें आप जो भी अपने जो होम्स वगैरह की जो क्लीनिंग करते हैं वो इसके माध्यम से आप कर सकते हो। और इसे में आपको 18 वोल्टेज की बैटरी मिलती है और ऐसे वन चार्ज करने पे या 200 मिनट्स तक आपको बैकअप प्रोवाइड करता है। इसमें ऑटो सेंसर लगे हुए होते हैं जो भी आगे की तरफ जो भी अवरोध वगैरह आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेंसर द्वारा यह पहचान लेता है। और इसमें कैमरास वगैरह भी लगे हुए आते हैं। इसे कंट्रोल करना बहुत आसान है। इसके साथ एक रिमोट्स एंड जो भी अपने मोबाइल्स वगैरह है या फिर गैजेट्स वगैरह से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है और इसे आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। इसके जो पार्ट्स वगैरह है जो भी वो भी ओपनेबल है। इसे एक इजी इंस्टॉल आप आसानी से कर सकते हो। इसका की सफाई भी आसानी से की जा सकती है। तो यह है मकीता की कोर्डलेस ग्रीस गन जिसका मॉडल नंबर है DGP8180। इसमें आपको जो भी ग्रीस वगैरह जो भी ऑटो पार्ट्स वगैरह का वॉक करते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले। इसमें ऑटो जो ग्रीस वगैरह उसका प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलता है और इसमें वेबलिंग का भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें आप जो भी ऑटो पार्ट्स में जो ग्रीस वगैरह देते हैं तो इसमें जो भी प्रेशर्स वगैरह है उसको भी आप आसानी से इसके माध्यम से कंट्रोल कर सकते हो और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है। इसके साथ आपको 80 वोल्टेज की बैटरी मिलती है जिसका वोल्टेज आप जो भी बैकअप है बहुत ही अच्छा आपको मिलता है और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है। लाइट वेट है और आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हो और इसमें जो भी ऑपरेटिंग प्रेशर है वो भी आप अपने अनुसार सुविधा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हो। आपको किस प्रकार इसमें जो ग्रीस वगैरह है उसको कंट्रोल करना है या फिर लगाना है उस अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। तो यह है मकीता का कोर्डलेस गार्डन स्प्रे गन
जिसका मॉडल नंबर है DUS054। इसमें आपको 80 वोल्टेज की बैटरी मिलती है। इसमें आपको एच स्प्रे गन मिलती है जिसमें आप इसकी 200 मीटर तक लेंथ आसानी से बढ़ा सकते हो। इसे आप इस आपकी यूजेबल के अनुसार इसे आप यूज़ ले सकते हो। इसे आप कहीं पे भी कैरी वगैरह कर सकते हो। इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है और इसमें आप जो भी अपने गार्डन्स वगैरह में जो भी स्प्रे करते हैं आसानी से कर सकते हो। इसमें एक हैंडलिंग के साथ आपको जो भी स्पीड को कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें वाटर को कंसीडर करने के लिए नीचे से एक आपको अलग से अटैचमेंट मिलता है और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है। और आप इसमें एज सेप का आपको इसमें स्प्रे गन मिलती है। इसके माध्यम से आप अपने जो गार्डन्स वगैरह में जो भी स्प्रे करना चाहते हो वो आसानी से कर सकते हो। तो ये है मकीता की हीट गन जिसका मॉडल नंबर है DGG181 जो कि आपको 18 वोल्टेज की बैटरी में आपको प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपको मैक्सिमम एयर फ्लो 200 LM की तक आप इसमें कर सकते हो। और इसमें अलग अलग जो नोज़ल्स वगैरह वर्क के लिए अलग अलग प्रकार के नोज़ल्स वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती है। हैंगिंग के लिए आपको एक हैंगिंग हुक वगैरह भी अटैचमेंट मिलता है। साइड में आपको हैंडल्स भी प्रोवाइड किया जाता है। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अलग से बटन्स वगैरह भी मिलते हैं। और इसका वेट अगर मैं बात करूँ तो 1.3 kg के समथिंग इसका वेट है और इजी यूज़ है। लॉक बटन आपको प्रोवाइड मिलता है और इसमें एक लाइट सेंसर भी आपको मिलती है जो कि आफ्टर ग्लो के समय आपको मिलती देखने को मिलेगी। और इसमें नोजल्स वगैरह भी अलग अलग प्रकार के यूजेबल के लिए अलग अलग प्रकार की मिलती है। तो यह है मकीता का कॉफ़ी मेकर। इसमें कॉफ़ी वगैरह बना बहुत ही आसान है। ये आपको 12 वोल्टेज एंड 80 वोल्टेज में आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपकी सुविधा के अनुसार आप इसे 80 वोल्टेज में भी ले सकते हो या फिर 12 वोल्टेज में भी आप इसे ले सकते हो। इसे आप कहीं पे भी कैरी भी कर सकते हो और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है। इसके साथ कॉफ़ी मेकिंग के लिए आपको अलग अलग प्रकार की कॉफ़ी वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है जिसमें आप वाटर वगैरह को रख के आसानी से इसमें आप कॉफ़ी वगैरह आसानी से बना सकते हो जिसमें आपका टाइम वगैरह की भी बचत होती है। और इसमें इंडिकेट्स करने के लिए भी अलग से एक इंडिकेटर मिलता है जिसमें कॉफ़ी बनने के बाद में ऑटोमेटिक ये स्विच ऑफ जाता है। और भी इसमें मल्टी फंक्शंस वगैरह कंपनी ने ऐड किए हैं। इसमें आपको कॉफ़ी के लिए अलग से मकीता ने कॉफ़ी वगैरह भी प्रोवाइड की है और इसे आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हो। तो यह है मकीता का ब्रश कटर जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इसमें आपको यह 36 वोल्टेज में आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको इसको ऑपरेट करने के लिए अलग से आपको हैंडल्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है जिसमें आप इसकी स्पीड्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। इसे आप कहीं पे भी इसे अपनी गार्डनिंग वगैरह में जो भी ब्रांचेस वगैरह है ट्री की आसानी से इसके माध्यम से कटिंग कर सकते हो। और इसमें जो भी हम जो रोटावेशन का वर्क भी आसानी से इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसमें स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक हैंडलिंग बटन्स वगैरह का। तो यह मकीता का ऑप्टिमम पावर सिस्टम जो कि आपको 18 वोल्टेज 24 वोल्टेज एंड 36 वोल्टेज में आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो इसकी जो पावर जो कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ या यूजेबल की बात करूँ जो भी बैटरीज वगैरह कम मकीता की जो बनाई गई है वो इसे हैवी ड्यूटी वर्क पर्पज़ के लिए इसे बनाई गई है। इसमें कंपनी ने बहुत सारे जो मैग्नेटिक जो लेयर्स वगैरह है ट्रिपल लेयर्स के अनुसार इसे डिज़ाइन किया है। इसमें जो वाटर वगैरह जो वाटर प्रूफिंग के अनुसार इसे एडजस्ट किया गया है और इसे यूज़ करना भी बहुत आसानी से आप कहीं पे भी जो मकीता के टूल्स वगैरह थे उसके साथ अटैच करके इसे यूज़ कर सकते हो। यह यूज़ करना भी इसे बहुत आसान है और यह अटैच भी बहुत ही इजीली हो जाती है। तो आप जो भी मकीता के टूल्स वगैरह आते हैं उसके साथ आप इसे जो भी अटैच करके इसे यूज़ में ले सकते हो। और यह है मकीता का कोर्डलेस कूलर एंड वार्म बॉक्स जिसका मॉडल नंबर है DCW8180 और यह आपको 18 वोल्टेज एंड 12 वोल्टेज एंड 24 वोल्ट LXT में आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको एक LED डिस्प्ले के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आप 80 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक आप इसमें टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो।
इसमें भी आप में जो भी आपकी जो साइड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो आती है कॉपर की जो हाई टेक्निक यूज में यूजेबल होने वाली, उस अनुसार इसे डिज़ाइन किया गया है। इसमें आप कहीं पे भी कैरी वगैरह कर सकते हो। इसमें आपको टू जो भी बैटरी वगैरह है उसे लगाना भी बहुत आसान है, और इसे इसमें लाइट वेट है, इजी टू यूज़ है, और इसमें जो वार्म करने के लिए टू फैंस लगे हुए आते हैं जो कि इसको कूलिंग को सिस्टम प्रोवाइड करते हैं।